प्रदेश की नगर निगमों और नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को सही माना जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे। साथ ही कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं आज खारिज कर दी। वहीं पूर्व में जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में जारी अंतरिम आदेश को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 18 नगर निकायों के अध्यक्षों द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी निकायों को भंग कर उसमें प्रशासकों की नियुक्ति कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अपने कार्यकाल को चुनाव होने तक आगे बढ़ाने की मांग भी की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। नगर पंचायत का कार्यकाल जो है वह खत्म हो गया है, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है इनको आगे के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती है या उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती है और उसके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये कहा पिटिशनर की ओर से। स्टेट की ओर से इसका विरोध किया गया और उसमें ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जो है एक्सटेंशन नगर पालिका का नहीं कर सकती है 5 साल के बाद, लेकिन वैक्यूम अगर हो गया तो उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है। इसको कोर्ट ने स्वीकार किया और इलाहाबाद इसी हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार ऐसा कर सकती है। उसके तहत जो है कोर्ट ने पिटिशनर की प्ली को जो है एक्सेप्ट न करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर को जो अपॉइंट करने का आदेश सरकार ने किया था उसको कंफर्म कर दिया। राज्य सरकार पूर्ण रूप से राहत से। आज न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।